स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम साइंस वॉरियर्स में। मैं हूं अमृता राय। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिनों की ये प्रदर्शनी बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा के बेमिसाल नज़ारे को दिखाने के लिए एक बेमिसाल कोशिश कही जा सकती है। इस प्रदर्शनी में करीब 900 छात्र छात्राएं देश भर से अपने प्रयोगों के साथ इकट्ठे हैं। विज्ञान की नई खोज करने में ये बच्चे आगे हैं और उन्हें उनकी खोज के लिए अवार्ड भी दिया जा रहा है और पेटेंट भी किए जा रहे हैं उनके प्रयोग। दिल्ली सहित कई शहरों के बच्चे अपने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। 8 अक्टूबर को इस साइंस प्रतियोगिता के चुने गए विजेताओं को पुरस्कार दिया जाना है। इस इंस्पायर कार्यक्रम की शुरुआत 2011 में की गई थी। हालांकि कॉन्सेप्ट 2009 से चल रहा है। तकरीबन 11वीं पंचवर्षीय योजना में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट भी रखा गया था और 2011 से इस कार्यक्रम का आयोजन प्रगति मैदान में किया जा रहा है और लगातार हर साल बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है उनके बेहतरीन प्रयोगों के लिए। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कई तरह के जो अवार्ड हैं उनमें से स्वर्ण पदक दिया जाता है, उनमें सिल्वर पदक दिया जाता है, उनमें ब्रॉन्ज भी दिया जाता है और जो यहाँ लगाने वाले यानी अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी कुछ ऑनरेरियम दिया जाता है। पूरे देश से चुनकर आए हुए बच्चे यहाँ पर अपने अपने प्रयोगों के साथ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं उनके प्रयोगों की एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बच्चे जिन्हें कहा जाता है कि गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों के साथ खेलते हैं, वो दरअसल यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक सरोकारों से जुड़े सवाल हल करने की कोशिश करते हुए आपको नज़र आएंगे, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने की एक कोशिश भी हो सकती है और इस कोशिश को भारत सरकार की तरफ से नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भी इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर ना सिर्फ अपने प्रयोगों और प्रोजेक्ट्स के साथ आए हैं बल्कि एक दूसरे के साथ उनको मिलने जुलने इंटरैक्ट करने का भी पर्याप्त मौका मिल रहा है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रगति मैदान। आपको दिखाते हैं मथुरा से आए युवा छात्र वैज्ञानिक बलदेव ने किस तरह से बिजली बनाने के लिए वेस्ट किए जाने वाले पानी का इस्तेमाल किया है और उनके इस प्रयोग को दिल्ली के स्कूलों के कई छात्रों ने अपने टीचर्स के साथ देखा। क्या रिएक्शन रहा उनका, किस तरह से उनके प्रयोग को देखा जा रहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। Today is the second day of the Inspire program. The exhibition is taking place on full swing. I have with me this young student who has prepared this project. Aapka naam kya hai? Baldev Kumar. Aap kahan se hain? Main Mathura se hoon. Ye project ke bare mein aap samjhayenge, ye project kiske bare mein hai aur aapne kya soch ke ye project banaya? Yes. Is project ka naam hai Gharelu Vidyut Urja Sanrakshan. Maine dekha ki jo ghar ka waste pani usko hum naliyon ke dwara वेस्ट बहा देते हैं, तो हमने क्या किया, जो घर का यूज़ किया हुआ पानी है उसको हम इस टैंक में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसे इस टरबाइन पर गिराएंगे और टरबाइन डायनमो से कनेक्ट है और जब टरबाइन घूमेगी तो डायनमो घूमने लगेगा। तो डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। अच्छा, ये वेस्ट जो वाटर है उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? यस। I also have with me this group of young students here who have many questions on their mind which they want to ask this student out here. So tell me which you are from which school? We are from Sri Guru Nanak Public School, Adarsh Nagar, Delhi. So you have seen this project, right? He just told you right away that how does this project function? So what is the main aim behind generating this electricity? How is the electricity generated from the wastewater? So what exactly have you learned? This is a good project. We are using wastewater to generate electricity in our domestic purpose, and we can use it at our houses to generate electricity. We are seeing day by day that electricity is consumed in our houses in huge amount. We can use this
कितनी स्पीड की ज़रूरत होगी इस पानी को, इस टर्बाइन को घुमाने में ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो? मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि जो जितना जितनी बड़ी टर्बाइन होगी उसके लिए हमें काफ़ी, जैसे हम बड़े बड़े बिल्डिंगों में लगाएं तो उसके लिए काफ़ी प्रेशर चाहिए। अभी हमने यहाँ पे छोटी टर्बाइन लगाई है जिसके लिए हमें कम ही प्रेशर चाहिए। अगर हम बड़े बड़े शहरों में लगाएं तो उसके लिए काफ़ी प्रेशर चाहिए, काफ़ी पानी चाहिए और काफ़ी बड़ा टैंक चाहिए स्टोर करने के लिए। अच्छा, मतलब जिस तरीके से का क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टर्बाइन अपने आप उस स्पीड से मूव करता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। Anyone of you who wanted to ask question? Yeah, I want to ask that how you can guess that this is the best way to conserve resources? हमने देखा कि जैसे बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंगें होती हैं उसका पानी ऐसे ही बहा दिया जाता है, तो हमने क्या किया, उस पानी को एक जगह स्टोर कर लिया। तो हमने देखा कि जैसे कि टर्बाइन बिगड़ाएंगे तो टर्बाइन डायनेमो घुमाएगी। हम देखते हैं कि बांधों पर अधिकतर ऐसा ही किया जाता है, तो हमने भी वही तरीका अपनाया। तो हमने उस गंदे पानी को टर्बाइन बिगड़ाया और टर्बाइन से डायनेमो घुमाया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। Anyone of you who wanted to ask question? Yeah. What is the principle behind this? आजकल बिजली का ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस घर में बिजली बनाया है जिससे कि जो गवर्नमेंट की बिजली होगी वो थोड़ी बचेगी और किसी को उसका लाभ मिल पाएगा। So you have come along with these students. How are you finding this exhibition? Yeah, very interesting, very nice. We have last week also attended another science exhibition which was organized by the science center. But this is far better, like having. How is it different from rest of the exhibitions? It's a very good exposure for the students. They learn a lot of things, and all the states are participating in this particular exhibition. So all over the country, students are here. Like almost 900, if I'm not wrong, 900 students have participated in this particular exhibition. And what would you say about these out of the box ideas of the students? Don't you think that they are scientifically becoming mature? Actually, the students are getting a hell lot of exposure these days, so that is why I'll say that the students will interact more in this particular exhibition, and that is how they'll learn more. What more needs to be done to motivate them, to make them more sound in the field of science and technology at this age? Yeah, this is a very good platform. These sort of platforms only, you know, we can help the students to come out of the shell, basically. Really nice, really nice. You can see that teachers along with their students are visiting these stalls where these kind of exhibitions have been put in Pragati Maidan. Out of the box ideas of the students are propelling them to become scientifically mature in this area. यही नहीं, इस साइंस प्रदर्शनी में धरती के प्रयोगों के साथ साथ तारा मंडल के रहस्यों को सुलझाने वाले भी कई मॉडल्स देखने को मिले। छत्तीसगढ़ के गोविंद ने तारों के जीवन चक्र को दर्शाया और इसे देखकर जूरी मेंबर्स भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। There is another interesting project here at Pragati Maidan, which is on life of stars. This is a very interesting project, very innovative and very different. आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद प्रसाद सिंह आर्य है, ग्राम सुढ़ेला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, और यह है मेरा मॉडल तारों का जीवन चक्र व प्रमुख अवस्थाएं। ये क्या सोच करके तारों के बारे में, कैसा क्या इंटरेस्ट था आपको कि जो आपने ये सोचा कि इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? मैम, मुझे लगा कि तारों के बारे में हमारे प्रत्येक भारतीय को उसमें आकर्षित होना चाहिए। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो हैं लगभग सभी क्षेत्र में अपना धाक जमा चुके हैं, हमें एस्ट्रोनॉमी भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्स, मंगल पे भी हम अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि मंगल पे भी हम पहुंच चुके हैं, तो आपका तो प्रोजेक्ट बहुत रेलिवेंट है उस तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त, तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप बताइए ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, लाइफ ऑफ स्टार्स? वैसे तो यह तारों का जीवन चक्र जो होता है प्रमुख अवस्थाओं को इनमें दिया गया है। इनमें से मुख्य जो सिद्धांत होता है तारों का जीवन चक्र में प्रमुख सिद्धांत, वह हाइड्रोजन गैस के संलयन से होता है। अत्यधिक उच्च ताप मिलने पर हाइड्रोजन गैस के हल्के परमाणु जो होते हैं जुड़कर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं से तो होता है तारों का जीवन चक्र क्रमशः चला रहता है, और इस तारों का जीवन चक्र पूरा होने में लगभग अरबों खरब वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, इसका क्या विशेषता क्या है, मतलब क्या यूजफुलनेस है? ये तारों का जीवन चक्र जो होता है सबसे बड़ी यूज जिनका है कि इससे हमसे सीख मिलता है। एक सीख यह मिलता है कि हमें शांति में जीवन जीना चाहिए, जैसे प्रकृति जो प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वे शांति से जी रहे हैं, खगोल शास्त्र के जितने भी जो
पिंड हैं, चीज़ें हैं, वो सब शांति से जी रहे हैं, वैसे हम अपने समाज में भी शांति जीना चाहिए। और रही बात ज्ञान की, तो ये हमारे स्थायी ज्ञान का प्रादुर्भाव करता है, हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाता है, वैज्ञानिक सोच की अवधारणाएँ पैदा करता है। इस तरह से सीख तो बहुत कुछ मिलेगा मैम इनसे। So this is a kind of message with social relevance in today's scenario, and of course a lot of knowledge is added to it. I have with me this young visitor. You, what did you like about this project? I like this project because I am very interested in astronomy, and this project was on stars. This showed the life cycle of stars, like it's showing the first stage of a star's life, a protostar. A protostar is born when the gases of a nebula form and give birth to a protostar. The next stage, when it starts burning its hydrogen, it turns to a yellow giant, and that is our sun. It is being said that in 5,000 Arab years that the sun may end up as a red supergiant and gulp our earth. The next stage of this red supergiant, or the red giant, it is called a red giant because the star stops burning its hydrogen and starts burning its helium. While burning its helium, it starts to glow in red color. That is why it is called a red giant. The next stage of a star's life is supernova. When the star is about to die, it explodes in a supernova, which results in a neutron star or a black hole or a black dwarf, depending on the mass of the star. Tell me, Aditya, what do you want to become? You have so much knowledge about these stars. What do you want to become in future? Astronomer. You want to become an astronomer. This is the reason why you have so much of knowledge in you. I have also with me one of the jury members with me who is here. Ma'am, if you can tell me, how do you find this exhibition? It has been 4 years since this exhibition is being organized every year. How is this time, the exhibition, different from the earlier times? The best part of this event is that you have students all across India. And many students are from small government schools, rural sectors. And I'm so fascinated to see them perform and give their best. Some students have brought in projects which can tackle their local and regional problems. So I liked that students have different levels of thinking. This year there's a representation of gender properly in this fair. I'm seeing lots of girls in this, yeah, and this is something which is very, very important, because we are talking about equality in every aspect of life, and here you have a scenario where I think 50% of the projects are displayed by girls, and girls from all across India. So I'm very much fascinated, and I hope that these students are going to perform very well, and we may have many of C.V. Raman's and mathematicians like Ramanujan coming up from some of them. As I always say, that the next scientific generation of our country has gathered here. Yeah. Thank you so much, ma'am. So of course, as we can say, that as the name suggests, Inspire is the inspiration which these students have got from their different aspects of life, and they have come and shown their talent at such a huge scale. तो बच्चों ने हमें बताया कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, और कैसे प्रकृति में मौजूद चीज़ों से हम शिक्षा ले सकते हैं अपने जीवन के बारे में। हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रगति मैदान। यहाँ पर मौजूद हैं हमारी दो संवाददाता, हमारे साथ हैं अरुणा और हमारे साथ हैं स्मृति। स्मृति, मैं पहला सवाल आप ही से करना चाहूँगी। जो आपने दो प्रोजेक्ट्स बच्चों के दिखाए, एक में सौर मंडल को दिखाया गया, दूसरे में वेस्ट वाटर का इस्तेमाल कैसे करके हम अपने जीवन को थोड़ा और आसान बना सकते हैं, बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली बनाई जा सकती है, ये हमने देखा। तो क्या बच्चे इस समय बड़ों को सीख देते हुए इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी में नज़र आ रहे हैं कि कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों से जीवन की सीख ले सकते हैं और जीवन को आसान बना सकते हैं? Exactly, there is a euphoria among these students. Today I'll show you the female power of our country. These young two scientists, they have prepared out of the box ideas. They have come out with out of the box ideas and have prepared wonderful projects. Aap apna naam bataiye. Premapal Kaur. अच्छा, प्रेमपाल कौर, आपका प्रोजेक्ट किस पर है? मैं सुन रही हूँ कि आपके प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ी तारीफें की जा रही हैं, कि बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है आकर के आपके प्रोजेक्ट को। क्या है प्रोजेक्ट? हमने वेस्ट प्लास्टिक टू लिक्विड फ्यूल एंड पेट्रोल गैस तैयार की गई है। वेस्ट प्लास्टिक से
लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाई है आपने, लिक्विड फ्यूल एंड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, ये किस तरीके से हेल्प करेगी हमारी सोसाइटी में, किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाएगी है? ये तो सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत फैल चुका है। जब हम ऐसे जैसे बच्चे प्लास्टिक के मॉडल बनाकर लेकर आते हैं, जब वो हार जाते हैं तो वैसे जला देते हैं, खुले में जला देते हैं, तो उससे स्वास्थ्य की बीमारियाँ हो सकती हैं, वो ओजोन परत को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमने इससे कुछ बचे ना बचे तो हमने ये फायदा होता है कि हमें स्वास्थ्य की बीमारियाँ नहीं होती हैं, डीजल भी मिलता है, एलपीजी गैस भी मिलती है। You can see with the creative minds, these innovative minds, they have come together on this platform to showcase their talent. I have with me this young girl. What is your name? Shivani. Let me ask you, you both are from 7th standard. Okay, Shivani, so what was your project on? मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पंजाब को जरूरत है एक और नई क्रांति की। एक और नई क्रांति, ये कैसी क्रांति की बात कर रहे हैं आप, कैसी क्रांति होनी चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि पहली हरी क्रांति में ट्यूबवेल का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पानी का दर बहुत नीचे चला गया है। एक ही तरह की फसल उगाई जा रही है जिससे नाइट्रोजन की कमी बहुत आ गई है। इसके लिए हमें दूसरी हरी क्रांति के लेकर आने के लिए तैयार हैं हम। Okay, I have with me this, जी स्मृति, हमने देखा आपने इससे पहले भी दो बच्चों को दिखाया। स्मृति, हम आपके पास लौटेंगे। आपने दिखाया यंग साइंस वॉरियर्स को कि कैसे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए भी वो समाज की चिंता कर रहे हैं और भविष्य के समाज की चिंता कर रहे हैं। मैं चलना चाहूंगी अरुणा के पास। अरुणा, आप भी बहुत सारे लोगों से घिरी हुई वहां नजर आ रही हैं, क्या क्या देखा आपने और नई चीजें क्या देखने को मिली जो अभी यूनिक आपको दिख रही हैं? सीधे मैं आपको बात कराऊंगी एक पेरेंट से जिनके बच्चे दो साथ में आए हुए हैं, और उनसे उनकी माँ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। तो आज सीधा मैं सवाल उनसे उन्हीं से पूछना चाहूंगी कि आज आपने ये बोल दिया कि मैं स्कूल बच्चों को जाने नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि यहाँ जो लाइफ देखा है बच्चा वो स्कूल में नहीं मिलता है, और रियल सब कुछ दिखने को मिला है। गाँव से बच्चे लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। जो गांव के बच्चे जब इतना सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमारे दिल्ली जैसे शहर में बच्चे ये काम करें, अच्छा लगेगा। आप और पेरेंट्स को जो आएंगे और जो देख रहे हैं आपको अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जो पेरेंट्स जो नंबर और किताब के पीछे लगे रहते हैं, वो रियल लाइफ काम करवाने में बच्चे का टाइम लगाए, ज्यादा अच्छा होगा। आपकी मदर ने अभी ये जो मैसेज दिया है जनता को, पेरेंट्स को, आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो मम्मी सोने नहीं देंगे आपको रात को। नहीं, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके, मजा आया, अच्छा था एग्जीबिशन, काफी अच्छा था, बच्चों ने काफी मेहनत की है। हम लोग भी चाहेंगे हम लोगों के स्कूल इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करे। अरुणा, इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या सीखा यहाँ पर, और क्या इनको भी कोई प्रेरणा मिली कोई वैज्ञानिक आविष्कार करने का, कोई नया प्रोजेक्ट बनाने का, कोई प्रेरणा इनको भी मिली क्या? आपकी एज में और इन बच्चों की एज में बहुत अंतर है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए, आप कौन से स्टैंडर्ड, पहले ये बताइए? 10th में हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे 10th के भी हैं, तो आपको क्या लगता है, आप ही की एज के ग्रुप के बच्चे भी हैं और आपसे कई गुना आगे हैं, तो आपको इंस्पिरेशन क्या मिली, कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा? काफी सारे प्रोजेक्ट थे यहाँ पे जो काफी यूनिक थे, बच्चों ने काफी एनर्जी रिलेटेड काफी चीजें बनाई है, एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड। तो आजकल एक्चुअली ये चीज इन चीजों को काफी बढ़ावा मिल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह को, तो इन्हें मतलब प्रैक्टिकल्स में स्कूलों को और बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा मम्मी ने भी बोला है, प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यही इंस्पिरेशन है एक तरह से। तो आगे इनकी सोच को आप लेकर जाएंगे, अपने स्कूल में पहुंचाएंगे? जरूर, हम लोग, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि अपने स्कूल में ये बात बताऊं और स्टूडेंट्स और टीचर्स में ये बात फैलाऊं और कहूं, मतलब उन्हें भी कहूं इन चीजों में पार्टिसिपेट करने का। काफी अच्छा इनोवेशन है, मतलब काफी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट और इंस्पायर की तरफ से बच्चों को इन सब चीजों में प्रमोट करने के लिए। अभी आपने एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी, तो घर में एसी चलता है? और तो अभी ये मुझे बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे वो गांव से आए हैं जहाँ पे एसी कूलर नहीं चलते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी इंस्पिरेशन ऐसे घर से जो आए हैं उनको क्या क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों ने काफी मेहनत की है और एक्चुअली मैंने जहाँ भी सुना है, एक्चुअली देखते भी हम लोग कि महान काम करने वाले जनरली गांव के लोग होते हैं या जनरली मतलब गरीब फैमिली से होते हैं, तो ऐसे लोग काफी हैं आजकल के एग्जांपल में, और लोग हो भी सकते हैं, तो
ये अच्छी बात है, सभी लोग मेहनत करें अपना फ्यूचर के लिए, और इंडिया को और भी ऐसे लोगों की जरूरत है। तो देखा आपने, ये हमारे साथ ये फैमिली थी, अभी मेरे साथ दो और स्टूडेंट हैं। हमने देखा कि कैसे बच्चे प्रेरणा ले रहे हैं इन नन्हे वैज्ञानिकों से, और हमने ये भी देखा कि नन्हे वैज्ञानिक खुद अपनी तरफ से किस तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप दोनों के पास लौटेंगे अरुणा और स्मृति, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे प्रगति मैदान के इस इंस्पायर प्रदर्शनी में एक ऐसा ही मॉडल देखने को मिला, जिसमें चाहे पानी गर्म करना हो, या फिर खाना पकाना हो, या फिर गुलाब जल बनाना हो, या फिर बिजली बनाना हो, सभी काम एक साथ एक ही जगह पर हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं अरुणा की एक खास रिपोर्ट। दो निशानों की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक तीर से कई निशाने कैसे हो सकते हैं, आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एक बच्चे से जिसने एक यंत्र उपलब्ध किया है। आपका नाम और आप कहां से आए हैं और अपने जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप बताइए। जी, मेरा नाम शिवकरण पंका है, मैं हाई सेकेंडरी स्कूल टू बुढ़ा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट शहडोल मध्य प्रदेश से। यह मेरा मॉडल है मल्टीपर्पज कोल सिगड़ी, इसके द्वारा हम एक ही समय में एक ही ईंधन द्वारा कई प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे खाना पका सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर बना सकते हैं, गुलाब जल बना सकते हैं, कम तापमान का पानी भी गर्म कर सकते हैं। क्या होता है, क्योंकि इसकी निचली सतह जो होती है अत्यधिक गर्म होता है, जिसके नीचे सब्जी हम भूनने वाली जैसे आलू, बैंगन, भिंडी इत्यादि भूजा जा सकता है। जो कोयले से राख प्राप्त होती है वो अत्यधिक कीटाणुनाशक होता है, जिसका उपयोग हम कीटनाशक दवाइयों के रूप में कर सकते हैं, खाद के रूप में कर सकते हैं। जब यह वेपर देता है, जब ज़्यादा मात्रा में वेपर देगा, तो हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। अभी आपने जैसे कहा कि बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है, तो आप बताएंगे कि कैसे बिजली हम उत्पन्न कर सकते हैं इस यंत्र से? क्या होता है, जो हमारी यह सिगड़ी होती है दो चादरों की बेलनाकार पात्र की बनी होती है, जो इसके अंदर होता है होल होता है। हम क्या करते हैं, इस टंकी द्वारा इसमें जल प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ कोयला अंदर रहेगा तो कोयला पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा। जब यह पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ताप से ज़्यादा खोलता है, गर्म होता है, तो उसका वेपर उत्पन्न होता है, भाप उत्पन्न होता है। तो उस भाप का उपयोग हम जब ज़्यादा मात्रा में देता है भाप, तो हम इस वाल्व को खोलकर हम डायनमो विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो एक मतलब एक ही चूल्हे से आप सात तरीके के फायदे ले सकते हैं, तो इसके बारे में आपको किसने प्रेरणा दी, आप बता सकते हो? हाँ, इसके बारे में हमारे जो सर हैं वो आर के सोनी जी हैं, जिन्होंने हमको यह मॉडल बनाने का मार्गदर्शन दिया। यह जो हमारा मॉडल है ये दैनिक जीवन में लागू है, दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो देखा अभी आपने कि किस तरीके से ये बच्चे ने एक उपाय बनाया है, जिससे कि हम एक ही चूल्हे से सात तरीके के फायदे ले सकते हैं। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। भविष्य के वैज्ञानिक योद्धा हमें बता रहे हैं कि ना सिर्फ आप समय की बचत कर सकते हैं वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए, बल्कि एक ही समय में कई तरह के उपयोग भी कर सकते हैं अगर छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखा जाए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको एक बार फिर लिए चलेंगे प्रगति मैदान और आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, आपका परिचय कराएंगे नए नन्हे वैज्ञानिकों के साथ।
आज हम आपको दिखा रहे हैं नन्हे वैज्ञानिकों की कहानी। जी हाँ, देश भर के नन्हे वैज्ञानिक इन दिनों प्रगति मैदान में इकट्ठे हैं और यहाँ पर उनके अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोगों को दिखाया जा रहा है। एक कंपटीशन चल रहा है, यानी प्रतियोगिता चल रही है, जिसका इनाम उन्हें कल मिलने वाला है और इसमें कई तरह के उनको अवार्ड मिलेंगे, यानी पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इनके प्रयोगों को देखने के लिए पूरे दिल्ली के लोग, यहाँ तक कि दिल्ली से बाहर के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी संवाददाता स्मृति रस्तोगी के पास पिछले साल के कुछ इंस्पायर अवार्ड विजेता हैं, उनके साथ उनके मॉडल्स पे किस तरह के उनको रिस्पॉन्स मिले और किस तरह से उन्हें पुरस्कार मिले, किस तरह से उन्हें इसको लेकर एक तरह से इंस्पिरेशन मिला, इन सब चीज़ों पर बातचीत की उनसे हमारी संवाददाता ने। आइए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं पुराने विजेताओं की कहानी। As science and technology has taken a leap in India, the young, innovative and scientific minds have come together at this Inspire program. I have with me previous year's Inspire awardees with me. What is your name? Chandra Prabha from Pondicherry. You're from Pondicherry. First of all, tell me, what was your project on? Last year when you were here, what was your project? Stable construction to withstand earthquake. Why this project on earthquake? What was the idea behind this project? Because of the many natural calamities are here. So the many life lost, materials lost, life lost. That's considered so strongly buildings or cylinder shaped buildings are not affected by the earthquake. Great. This was a very innovative idea, and at the same time, this project can save a number of lives also. Great. Acha, tell me, what is your name? Falguni. Falguni, you are from which place? Daman or Diu. You are from Daman and Diu. Kya difficulties thi jab aapne project banaya? Aapka project kis pe tha? Hamara project Bahuhetu Okhli hai. जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे कम शक्ति में ज़्यादा काम होता है, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, कोई डिफ़िकल्टी थी, कोई परेशानी जब आपने प्रोजेक्ट ये बनाया, कुछ ऐसा लगा कि ये आइडिया ऐसा होना चाहिए या यहाँ से ऐसा होना चाहिए, ऐसी हेल्प होनी चाहिए, और कहाँ से आपको मदद मिली, किस तरीके से? मेरे पापा से मदद मिली और मेरे टीचर से। अच्छा, इन दोनों ने आपको सपोर्ट किया अच्छे से। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष उटोबा भंगरे है। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट किस पे था? मेरा प्रोजेक्ट था मल्टीपर्पज फ्यूल सेविंग चूल्हा। तो ये प्रोजेक्ट के पीछे आपको किस तरीके की मदद मिली और क्या कोई डिफ़िकल्टी थी जब आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, कि कोई परेशानियाँ थी, कुछ क्या किसी परेशानी का सामना करना पड़ा चीज़ों को लेकर के, इकट्ठा करने से लेकर के? जी हाँ, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने पड़ते, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट है तो उसको उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे वो चीज़ें मिलाने में मदद की। जैसे क्या चीज़ें, जो छोटी मोटी, जैसे कैसे क्या क्या चीज़ें? मैंने प्रोजेक्ट में एक पुराना दूध का कैन यूज़ किया है, तो कैन कहाँ से लाना है वो डिफ़िकल्टी थी, तो पेरेंट्स ने हमें कैन दिया। मेरा रूरल एरिया में वो दूध का कैन होता है, वो कैन पेरेंट्स ने दिया हमें। तो काफ़ी पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के दौरान। अच्छा, व्हाट इज़ योर नेम? आई एम देवव्रत कुलकर्णी फ्रॉम महाराष्ट्र, नासिक। अच्छा, टेल मी, इफ दिस ईयर दिस फंक्शन, दिस प्रोग्राम, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर्स व्हेन यू वर देयर, एंड इफ व्हाट काइंड ऑफ एंथुजियाज्म वाज देन व्हेन यू पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम? या आई मीन I was the first batch of Inspire, so there was a lot of enthusiasm in students, but this year I think it's a bit less, but the quality of project, I mean the innovations of students are really good. This year, yep. Students are, yeah. Have yes. Come up with innovative ideas. Yeah, really innovative ideas. When any specific project which you found very, very innovative here? Yes, I mean creating a blender from a cycle is not an easy task, so I like that. You like the idea behind this? Yes, I liked it. Yes. So, आपका क्या नाम है? My name is Navin and I am from Telangana. अच्छा, आप बताइए, आपका project किस पे था और इस साल आपको कैसा different लग रहा है जब आपने participate किया था? For the first year when we have been doing the project, it's all the thing that what's going on the
stage for the first year it's being done, and anyone don't know what is the procedure and what is being calculations being done there. So the people which are participating, that means the exhibits which are prepared were in a high end level, that in order to satisfy, as it is a national level project, we have to satisfy the needs in such a manner that it must suit that project, inspire it. The name itself says that something which inspires other people. So the project which we are doing must be in such a manner that it must inspire other people. See, you have said about inspiration. Tell me what inspiration you had in your life which propelled you to achieve big in this field. Basically, I am from rural background, which we don't have proper net access. And during when we have to listen to some videos which we like to have, we have to go through the town and we have to download it, or we have to get from the friends. But in that basic motto, my and my faculty and few of my friends were sitting in a classroom, and we have been thinking that why can't we do a project so that without using the internet facility, why can't we prepare a model or a circuit such that it helps to record a program which is coming on a film. Basically, our project is tele-recording. In the absence or in the presence also, we can record a project. In television, a nice program is coming, which you used to see. But you are in a situation that you are not able to see. In such cases, you can access to our circuit. It's a small circuit which costs less than 1,000 rupees. If we connect it to the television which we are having in the house, we can record the channel what we are having. What is your name? My name is Shravani. You are from which place? Andhra Pradesh. What was your project on when you participated in this program? My project name is Nano Harvesting, which is nothing but a 3D cultivation. This is 3D cultivation. Achha, how is it different, this kind of cultivation? Today our agricultural field has been faced so many problems. There is no proper irrigation facilities, and there is no sufficient rainfall. Floods and droughts are also has been affected the yield and growth of the crops to loss and expense farming. The uses of artificial fertilizers and pesticides in large scales, the physical and chemical conditions of the soil has been damaged rapidly. Ultimately, the growth of the crops decreasing gradually. We implemented and creating a new method of harvesting. It provides a good product at low cost. Great, great. Aapka naam? I am Krishna Kumar Saxena. अच्छा, तो इस बार आप आए हो, ये वाला प्रोग्राम देखा आपने इंस्पायर का, ये आपको कैसा लगा, यहाँ पे आकर के आपको कैसा लग रहा है? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल बनाए और अपने देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि उपाय है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रोजेक्ट बनाया था जब आपने पार्टिसिपेट किया था इसमें? जी, मैंने मैम संतरे के छिलके में प्लास्टिक से पेट्रोल का निर्माण किया था। अच्छा, आपको पेटेंट भी मिला है, आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट के लिए पेटेंट भी मिला है, तो वो पेटेंट मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, यानी कि पेटेंट मिलने के बाद मुझे, यानी कि स्कूल के जब प्रिंसिपल ने बताया तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आपका नाम? मेरा नाम प्रसन्नजीत दे है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मित्रीपुर आगरतला। अच्छा, तो आपका प्रोजेक्ट किस पर था? मेरा प्रोजेक्ट का नाम था लो कॉस्ट सीमेंट टाइप मिक्सचर। ये सीमेंट का बहुत दाम होता है, इसलिए इसकी चीपेस्ट है, और हमारे हम हिली स्टेट है हमारा त्रिपुरा, वहाँ पे बहुत सारे घर बेम्बू के होते हैं, तो बेम्बू ज़्यादा देर लास्टिंग नहीं करता, तो अगर मेरा जो ये मिक्सचर है इसको आप बेम्बू के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो बेम्बू बहुत लास्टिंग करते हैं। अच्छा, आगे चल करके कुछ सालों बाद आपने क्या सोचा है कि आप इस फील्ड से रिलेटेड क्या बनेंगे, या क्या है, आपने क्या सोचा है फ्यूचर को लेकर के? मैं अभी सिर्फ इसको बढ़ावा देना चाहता हूँ, मैंने अभी कोई इमारत नहीं बनाई, तो मैं इमारत बनाने की कोशिश, आगे चल के क्या मतलब बनना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ऐसा? एक्चुअली मैं अभी बीकॉम में हूँ, तो मैं उस लाइन पे ही जाना चाहूँगा। अच्छा, बीकॉम में ही आगे बढ़ना चाहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए आगे चल करके क्या बनना चाहेंगे, आप क्या सोचा है आगे चल के कि हाँ आज से 3 साल बाद 2 साल बाद क्या बनेंगे, क्या रहेगा? टीचर। टीचर बनना चाहेंगे, और क्या पढ़ाएंगे? ओनली बायोलॉजी। ओनली बायोलॉजी, अच्छा। और आप क्या बनना चाहेंगे आज से करीबन, जब आप पास आउट कर लेंगे 12th के बाद, कुछ फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्या बनेंगे? मैं तो मैथ में PhD करना चाहता हूँ। मैथ्स में। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद प्रोफेसर बनूंगा। प्रोफेसर बनेंगे आप, बहुत अच्छा। अच्छा, एंड यू, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? सिंस आई लव मशीन्स, आई एम गोइंग टू बी अ इंजीनियर। सो टेल मी, क्या बनना चाहेंगे आगे चल के?
मैं तो अभी कार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हूँ, सो आई हैव टू डिजाइन अ इंजन सो दैट इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल एंड इंक्रीज द इकोनॉमी रेट. आप बताइए क्या बनना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? आई वुड लाइक टू बिकम साइंटिस्ट. यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड व्हिच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी? इंटर सेकेंड ईयर. In the second year, great, great. I must say that these kids have great ideas on their mind, and in future they have a promising career with the kind of experiences they had in such a tender age. I must say that they have a long way to go. तो ये जो वैज्ञानिक आपने देखे, दरअसल ये पिछले सालों के नन्हे वैज्ञानिक हैं जिन्हें अपने अपने प्रयोगों के लिए अवार्ड मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है. अब हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं प्रगति मैदान का. संवाददाता अरुणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. अरुणा, हमने नन्हे वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनी. ऐसे वक्त में जब छोटी उम्र में लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, हतोत्साहित करते हैं, यानी डिस्करेज करते हैं इस तरह के प्रयोगों के लिए, इन बच्चों ने कहाँ से साहस उठाया, कहाँ से प्रेरणा ली और कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में क्या आपने किसी से बातचीत की? क्या सोचते हैं ये? जी अमृता, मेरे साथ एक उत्तराखंड टीम है जिसमें एक स्टूडेंट है जिसने प्रोजेक्ट जो बनाया है वो गंगा बचाओ में करा है. तो मैं उससे सीधा पूछना चाहूंगी, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, किसने आपको ये मोटिवेट किया कि गंगा बचाओ, जो सरकार भी जिसमें पूरा पूरे जोरों पे है कि ये गंगा बचनी चाहिए हमारी, तो उसके लिए आप क्या चाहती हैं, आपने क्या इसके लिए योगदान दिया? मैंने देखा कि मोदी जी भी गंगा बचाओ में लगे हुए हैं और वे एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो मैंने उन्हीं के अनुसार, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि गंगा सेव हो जाए और हमारा भारत वो स्वच्छ हो जाए. तो इसके लिए मैंने प्रेरणा ली और मैंने इस सेव गंगा पर काम किया, जिसके लिए मेरी टीचर ने मेरी हेल्प की और मेरी गार्जियंस ने मेरी हेल्प की. तो इस गंगा को बचाने के लिए मैंने अपना एक मॉडल बनाया, जो कि मैं साइंस कंपटीशन में आई हूँ. इस एग्जीबिशन में मैंने देखा कि गंगा को बचाने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और अगर ये इंडिया में लागू हो जाए तो गंगा सेफ हो जाएगी. जिसे क्या किया आपने इसके लिए? मैम, हमने जो गंगा का पानी है, हमारे घरों से जो वेस्टेज वाटर निकलता है वो हमेशा गंगा में जाता है और गंगा प्रदूषित होती है, तो इसके लिए मैंने उस वेस्टेज वाटर का रीयूज किया है और उसे प्योर करके उसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया है, तथा उसका रीयूज किया. और जब मैं उसे प्योर कर ले रही हूँ तो उसको जब मैं उसका रीट्रीटमेंट कर ले रही हूँ तो मैंने उसे वापस गंगा में सप्लाई कर दिया है. क्योंकि अगर हम गंगा से लेंगे वाटर और गंगा को नहीं देंगे तो उसका फ्लो कम हो जाएगा. इसके लिए मैंने जो प्योर वाटर है मैंने फिर से उसको सप्लाई कर दिया है, जिससे कि गंगा का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे. मैम, आप इनकी टीचर हैं तो आपका क्या योगदान रहा है? मेरा बच्चे, जैसा कि बच्चा प्रेरित होकर मेरे पास आया था तो कहेंगे मैम ये बताइए कि अगर मोदी जी भारत के लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी अपना एक छोटी सी सोच से मैं भी योगदान देना चाहती हूँ, मोदी जी के कदम से कदम मैं भी मिलाना चाहती हूँ, तो ऐसा क्या करें? तो हमने सोचा, उसके बाद मैंने कहा देखो बेटा, जो मुख्य बिंदु है हमारा, जो पॉल्यूशन है हमारा, तो उस पर मोदी जी का ध्यान केंद्रित है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं या आप कुछ ऐसा सोचो कि जिससे कि गंगा रिवर सेव हो जाए. तो उसी प्रेरणा से, उसी बात से लेकर हम लोगों ने, बच्ची ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये थीम तो हमारी अच्छी है, सोच अच्छी है. अगर इसका इम्प्लीमेंट जो है भारत की प्रत्येक इकाई पे हो जाए तो ये निश्चित रूप से हमारी गंगा सेव हो जाए. ये जरूर पूछिए कि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो गंगा को साफ करने में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन लग सकता है और सालों लग सकते हैं गंगा को प्रदूषित होने से साफ करने में या बचाने में. इनका जो प्रयोग है, इन नन्ही बच्ची का जो प्रयोग है, इसके लिए कितना खर्चा लग सकता है और कितनी आसानी से इसे इसकी सफाई की जा सकती है? जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कितना खर्चा आएगा, क्योंकि जो सरकार का योजना है उसमें बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए लग सकते हैं, तो आपके जो टेक्निक है उस टेक्निक से कितना, मतलब हमें कितना फायदा मिलेगा सरकार को, इसे सरकार को लागत कितनी लगेगी इसमें?
इसमें मेरे मॉडल में तो इसमें पूरे 10,000 लग गए हैं, 10,000। तो इसके लिए जो सरकार की तरफ से इसमें लागत तो लगेगी ज्यादा, लेकिन उससे हमें गंगा सेव हो जाएगी, जिससे हमको बहुत फायदा मिलेगा। मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट बना है इसमें, एक तो पहले ये बताइए कितना मतलब अंतर है आपके, मतलब कितना फायदेमंद रहेगा हमारे लिए? मैम मेरे हिसाब से तो बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कैसे यदि हमने वाटर को हमने पॉल्यूटेड होने से बचा लिया है, तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी पॉल्यूशन की है। मतलब ऐसा क्या कुछ हम कर रहे हैं जिससे कि हम पॉल्यूशन को चेक कर सके, पॉल्यूशन को रोक लें, चाहे हमारा एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन। तो प्रत्येक घर में आप पहले रोकेंगे जो गंदगी बाहर निकलती है और जो सीधा गंगा पे जुड़ती है, तो उस गंदगी को पहले आप, मतलब प्रत्येक घर का जो भी पानी है, चाहे वो छोटी इकाई ले, छोटा विलेज ले, टाउन ले या कंट्री ले, तो पहले तो हम घर से लेंगे, उसके बाद हम टाउन में जाते हैं, उसके बाद हम कंट्री में जाते हैं, तो ये हमारा लेवल ऊपर होते जाएगा। अब हम अपने घर से इसको करें तो हमारे घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है तो अल्टीमेटली वो जाके कहीं ना कहीं नालों में मिलता है, नाले हमारी नदी में मिलते हैं, छोटी नदी में मिलती है, छोटी नदी जाके हमारी गंगा में मिल रही है, तो हम गंगा तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट में तो गंगा में ही मिल रहे हैं। तो हम अपने घरों की ऐसी व्यवस्था करें कि उस को हम एक जी, तो हमने देखा कि कैसे मौजूदा सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का सोल्यूशन नन्हे नन्हे वैज्ञानिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि दरअसल इस तरह से भी जो इस समय मौजूदा चुनौती है, चाहे वो सफाई की चुनौती हो या गंगा पोल्यूशन की चुनौती हो, उससे निपटा जा सकता है। शायद इससे जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा उन लोगों को जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं प्रगति मैदान में ही मौजूद हमारी दूसरी संवाददाता स्मृति के पास। स्मृति, आप भी, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या देखा इन्होंने और किस मकसद से आए हैं? Right now, I'm standing with the parents and mentors of 2011 awardees. I have with me Dev's father. Sir, अभी देव ने बताया कि बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, एक स्ट्रेंथ रही है पीछे, इतना बड़ा जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे आप इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं। तो सर कैसा लगता है कि बच्चे को इस बड़े मुकाम पर देख करके, इस लेवल पे आकर के आपको कैसा फीलिंग होती है? बहुत अच्छा फील करता हो, और जो उसको रिकग्निशन मिला है नेशनल लेवल पे, डेफिनेटली ये पेरेंट्स के लिए प्राइड की बात है। एंड ये लड़का आगे भी इंजीनियरिंग ही करेगा, ये इट इज लगभग तय है अभी। अच्छा, आपने तय किया है कि उसने खुद तय किया? खुद ही तय किया हुआ है, उस हिसाब से उसने अपना स्टडी भी वैसे ही चालू रखा है। अच्छा अच्छा, मेरे साथ ये शावनी के भी मेंटोर हैं। सर आपको क्या लगता है कि कैसा फ्यूचर क्या प्लान किया हुआ है शावनी के लिए आपने? श्रावणी, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर हैव यू प्लान फॉर हर? She want to become a scientist, madam, agriculture scientist. We did the agriculture project, that is the 3D cultivation. So we have to plan, Sravani plan to develop that project. She wants to work on that project only, madam? Yes, yes. श्रावणी का प्रोजेक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जो 3D कल्टीवेशन को लेकर इन्होंने बनाया पिछले साल और इनको अवार्ड भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि उस उम्र में जब उनको हतोत्साहन मिलता है, यानी डिस्करेज करते हैं लोग, उस उम्र में जब ऐसे प्रयोगों पर लोग हंसते हैं, उस उम्र में इन्होंने इस तरह का बड़ा प्रयोग किया है, अब इसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की मदद सरकार की तरफ से मिल रही है, प्रदेश सरकार हो या फिर विज्ञान और तकनीकी विभाग हो या फिर उनका स्कूल हो, किस तरह की मदद मिल रही है, कैसे ये अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रही हैं? What kind of help are you getting from the state and central government to develop this project further? Madam, government should be sanction some project fund. Till now, have you got any support, any help from the central and state government? Yes, madam. To implement in large scale, we want to some fund and support of the scientists and Department of Science and Technology also. So there are a lot of advantages of that project, madam, because floods affect drought, global warming effect can resolve through this kind of 3D farming, 3D agriculture. And also 100% of more yield we can get. In this manner, loss of the expensive cultivation can control, madam.
like it is cost effectively. This is what you want to say, and you have got a lot of help from the central and state government. सर आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में किस तरीके से आप इनका जो टैलेंट है स्टूडेंट्स का किस तरीके से इनको इनका टैलेंट आप चैनलाइज करेंगे इस फ्यूचर में? देखिएगा मुझे बहुत खुशी होती है कि हम किंग मेकर की तरह उभर कर आते हैं और हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े किंगों को बना रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि हमें पहली बार 2011 में इस प्रकार का एक एग्जीबिशन हुआ जिसमें हमने एक अपना किंग निकाला और मैं सभी भारत में पूरे भारत में ये संदेश देना चाहूँगा कि हर स्कूल में ऐसे किंगों को तैयार किया जाए जो पूरे भारत में साइंस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आए. Sir, क्या what was the difference? What was the difference you found that the kids had developed over the period of time? Sir, after attending this Inspire program at Delhi, the time goes. They developed their scientific attitude, and nowadays she joined in BSc Physics. Being a rural, remote area and belonging to a poor family, she got her empowerment and idea to become a scientist. By attending this type of Inspire awards and this type of अरुणा हमने देखा कि जो वैज्ञानिक नन्हे वैज्ञानिक पिछले सालों में पुरस्कार हासिल भी किए उन्हें आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं और जो वैज्ञानिक आविष्कार वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ज्यादा अभी मदद नहीं मिल पा रही है. उम्मीद है कि इन वैज्ञानिकों को यानी ये जो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने अपने प्रयोगों के जरिए पुरस्कार भी हासिल कर रहे हैं और लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं और रोजमर्रा के जीवन के सवालों को हल करने की एक तरह से पहल भी कर रहे हैं इन वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में और उनके आविष्कार को और ज्यादा परिष्कृत करने में सरकारों का और उनके अभिभावकों का दोनों का सहयोग मिलता रहेगा. अब आपको लेकर चलते हैं इंस्पायर 2014 के प्रतियोगियों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके रचनात्मक मॉडल्स के पीछे वैज्ञानिक आधार किस किस तरह के हैं. एक नजर. अभी तक हम जानते हैं कि एक केला कि हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन एक बच्चा जिसने एक ऐसा मॉडल उत्पन्न किया है जिससे कि हम बिजली बना सकते हैं. आइए हम जानते हैं उस बच्चे से कि उसने ये मॉडल कैसे बनाया है. नमस्ते, मैं श्री भूपेन बड़ा, हम असम से आए हैं. मेरा प्रोजेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लान. हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हमें बनाना बनाना का पल्प और बनाना का रस निकाल कर अलग अलग बिकार में रखकर एक कार्बन डन और एक जिंक डन स्थापन करके इलेक्ट्रिक वेयर से हम पहले गैल्वेनोमीटर संयुक्त किया. देखा कि इसका कटा हिल रहा है, ये देखिए जी इसका कटा हिल रहा है और हमें पता चला कि एसी पीरो से विद्युत उत्पन्न हो सकता है और हमें एसी प्रोसेस से हमें वाल्व मीटर संयुक्त किया. इसका कटा भी हिल रहा है, 10 वोल्ट ज्यादा विद्युत उत्पन्न. अब यही वायर आप बल्ब में लगा रहे हैं? ओ ग्रेट ग्रेट. तो अभी आपने देखा कि कैसे बनाना के पेड़ का जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसका छिलका हो चाहे पेड़ का छिलका हो, उसमें कार्बन और जिंक मिलाके कैसे इन्होंने बिजली इन्होंने तैयार करी है, ये आप देख सकते हैं अपनी आंखों से. और एक एलईडी भूपेन जरा दिखाइए, एलईडी एलईडी में आप अभी देखेंगे. आप देख सकते हैं कि एलईडी में भी आप कैसे बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, ये कितना काम आ सकता है पढ़ाई के समय. आप रात देर रात को अगर आपके पास बिजली नहीं है तो इस तरीके से आप एक गांव के एरिया में आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. मैंने ये लाइन इसीलिए बोली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं सिक्किम से, क्या नाम है आपका? आनंद राय. आनंद राय, ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक मैग्नेट से जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से हम बिजली को उत्पादन कर सकते हैं, कैसे ये करा है इन्होंने और कैसे इनके पास ये आइडिया आया. आइए जानते हैं इनसे. अपना नाम बताइए और अपने मॉडल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए. मेरा नाम आनंद राय है और मेरा मॉडल फ्री एनर्जी जनरेटर है जो एक परमानेंट मैग्नेट की सहायता से चलते हैं. मेरा इस ये सीपीयू फैन है, मैंने सीपीयू फैन के अंदर ये दो पार्ट्स है, एक स्टेटर पार्ट बोलते हैं इसको और इसको रोटर पार्ट्स बोलते हैं. और ये ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स, ये शाफ्ट, ये मैग्नेट
और ये कॉपर कोयल। और जब हम इस दोनों को इसे दोनों एक साथ लाएंगे तो इसको हम ब्रशलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर बोल सकते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये मैग्नेट नॉर्थ पोल रिपील करता है, इसी प्रॉपर्टी को याद करते हुए हम ये इससे ऐसे टाइप ऐसे रख के हम इसको ऐसे रख के ये मोटर घुमा सकते हैं। और ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके जो अंदर इस पार्ट को रोटेट करेगा, एनर्जाइज करके रोटेट करेगा। और ये रोटेट करने पर कम से 2.0 वाट का एनर्जी निकल सकता है। और ये एनर्जी हम स्ट्रीट लाइट्स में, हाउस में, बिल्डिंग्स में, स्कूल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स में यूज कर सकते हैं। आनंद, जरा बताएंगे अपने बारे में कि आपको इस मॉडल के बारे में किसने प्रेरणा दी? ये मॉडल मैंने खुद बुक से लिया है, और मुझे पता था कि ये मॉडल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टीज पता था, और इसी प्रॉपर्टीज को जब मैंने टीचर को बोला तो टीचर ने मुझे प्रेरणा दी कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और तभी मैं और टीचर होके ये बनाया है। तो क्या आपके गांव में, आपको लगा कि आपके गांव में भी, बिकॉज आप गांव से आए हैं, तो आपको लगता है कि आपके गांव में बहुत बिजली का बड़ा संकट है, और इस मॉडल से आपके गांव में कम से कम ऐसे मॉडल अगर आए तो बिजली ठीक हो, मतलब बिजली की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी? हाँ, जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि कितनी बिजली आप बना सकते हैं इससे? इसमें जितना बड़ा पावर वाला मैग्नेट लगाएंगे उतना ही बिजली वो बन सकता है। कम से कम कुछ बताएंगे आप कितना लगभग? अभी तो इसमें सिर्फ ये छोटा पावर वाला है 2.0 वोल्टेज का निकल रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो एक गांव के लिए सफिशिएंट होगा। तो देखा अभी आपने कि किस तरीके से हम एक मैग्नेट से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, और कितनी हम जो बिजली के संकट है उनको भी दूर कर सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार जो नन्हे वैज्ञानिक प्रगति मैदान में अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आए हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो देश को नए नए बिजली उत्पादन के तरीके बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस समय देश में तकरीबन 50-60 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी बताई जाती है। उम्मीद है कि ऐसे नए नए प्रयोगों से ज़रूर कोई नया रास्ता निकलेगा, और सिर्फ कोयला नहीं, सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ जो पनबिजली है उससे नहीं, बल्कि और दूसरी तकनीक का भी इजाद किया जा सकेगा जिससे सस्ती और आसान बिजली पैदा की जा सकेगी। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और अरुणा और स्मृति आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति मैदान से इन नन्हे वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत कराने के लिए और उनकी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, नमस्कार।